हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू ट्यूचुअल स्टडी में। देखिए, मैं आपका करा रहा हूँ केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स चैप्टर टू करा रहा हूँ, बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, या जिसको बोल सकते हैं अम्यूनो एसिड एंड पेप्टाइड एंड एंजाइम। ओके, और आपके लिए बता दूँ, ये आपकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है। और आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जब तक हमने इतना भाग पढ़ लिया, उससे आगे का आज ऑब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, और जितने भी ऑब्जेक्ट कराऊँ उतना तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कराने वाला हूँ, वहीं से आपको आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ओके, देखो, जैसे फर्स्ट आपके पास है 11th नंबर, देखो बाकी सब मेम्बर नहीं थे तो मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ। देखो, ये आइसो इलेक्ट्रो पॉइंट पर अम्यूनो एसिड, एक मतलब अम्यूनो एसिड बिहेव करता है, तो आपको लगाना है जिटर आयन, ठीक है। मैंने टिक लगा रखे हैं, वही होंगे। फिर आपका 12th नंबर के कौन सा अल्फा अम्यूनो एसिड प्रकाश अक्रिय होता है, तो आपको ग्लाइसिन, ठीक है। निम्न अम्यूनो एसिड का पीएच होता है, तो एक कौन सा आपको दे रखा है, देखो ये इन्होंने यहाँ पे इतना दे रखा है, इसका पीएच कितना होता है, वन होता है। आपको मैंने बताया भी था, एक कार्बन अटैच था आपका यहाँ से, एन प्लस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका इसेंशियल अम्यूनो एसिड है, तो आपका ल्यूसाइन। फिर आपको 50 नंबर क्वेश्चन दिया है कि HOCCH2CHCOHNH2 किस टाइप का अम्यूनो एसिड है, तो आपका एसिड टाइप का। ये मैंने आपको बताया था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। 60 नंबर आपका कि एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड बिहेव करता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन अमीनो एसिड बिहेव करता है, तो कैटाइन का। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, आइस इलेक्ट्रो पॉइंट पर अमीनो एसिड गति करता है, तो नहीं करता, ठीक है, नॉट मूव, गति नहीं करता। यदि आइस इलेक्ट्रो पॉइंट पर किसी अमीनो एसिड का 6 है, तो पीएच पर 9 पर अमीनो एसिड क्या होगा। देखो, किसी का अगर अमीनो एसिड का पीएच 6 है, ठीक है, तो पीएच 9 पर अमीनो एसिड पर आवेश होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अमीनो एसिड की संख्या जो प्रकृति में प्रोटीन बनाती है वो कितनी है, 10। ओके, प्रोटीन पॉलीमर है, तो अल्फा एल अमीनो एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2021, ऑलिगोपेप्टाइड में अमीनो एसिड की न्यूनतम संख्या होती है, तो आपको 4 लिखना है। ओके, निनहाइड्रिन फॉर्म ब्लू कंपाइन है, तो अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 23, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा अम्यूनो एसिड एच अल्फा हेलिक्स रूप नहीं रखता है, तो आपको प्रोलिन लेना है, ठीक। 24 है कि एस्पर्जिक एसिड का एसिडिक एमाइन होता है, तो आपको एस्पर्जिन। किस अम्यूनो एसिड में इंडोल रिंग होती है, तो आपको लेना ट्राई प्रोटोन। फेनलुक ग्रुप किस में होता है, तो आपका सेरोटोइन। किस अमीनो एसिड में इंडाजोल रिंग होती है, ठीक है, तो आपका हिस्टिडाइन, ठीक है। तो आपको हिंट देखना है कि प्रोलाइन में आपको इनग्राफ में एनएच होती है, ठीक, सेकेंड अमीनो होता है, ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो मैं ट्रिक लिख रख के आपको ध्यान से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 27, कीटोनिक अल्फा अमीनो एसिड ल्यूकान, तो ल्यूकान है। ग्लाइकोनिक एसिड कीटोनिक अमीनो एसिड निम्न है, ठीक है, तो आपको मैंने बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन आपको छोड़ दीजिए। ओके, 28 है सल्फर कंटेनिंग अम्यूनो एसिड है, ठीक है, तो आपको सिस्टीलाइन। ओके, कीटोजेनिक अम्यूनो एसिड है, तो आपका ल्यूकाइन। ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए सेमी इसेंशियल अम्यूनो एसिड है, तो आपको आर्जिनाइन। ओके, हिंट आपको आर्जिनाइन और स्टीलाइन दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। एरोमेटिक अम्यूनो एसिड है, तो आपका टायरोसाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है, तो आपको पेप्टाइड लिंकेज का बाद में बताऊँ, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो इसके जो दो क्वेश्चन आपको दे रखे, मैं 32 आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, कमेंट के 32 का ये आंसर आएगा, 30 का ये आएगा। ओके, चलो तो 33 देखो, एन टर्मिनल पेप्टाइड की पहचान के लिए कौन सा मेथड प्रयुक्त किया जाता है, तो आपको सेंगर्स मेथड। कौन सा मेथड सी टर्मिनल ग्रुप की पहचान के लिए करते हैं, ठीक है, RWNH2 × NH2, ठीक है। 35 में पेप्टाइड के एन टर्मिनल अम्यूनो एसिड को किस रिएजेंट के द्वारा पहचान जा सकता है, ठीक है, तो आपके इसका आंसर होगा DNFE, इसकी मैंने आपको फुल फॉर्म भी वहाँ पे बताई गई थी। 36 से सॉलिड फेस पेप्टाइड सिंथेसिस प्रतिबंध की गई है, तो आपको रॉबर्ट ब्रॉस मेरीफील्ड में। ओके, फिर आपका अगला है 37, SBPS के द्वारा अम्यूनो एसिड का सिंथेसिस किया गया, तो 125, ठीक है। SPS में पॉलीमर प्रयुक्त किया गया, तो मेरीफील्ड रेजिम, ठीक है। अगर जिसको ग्लाइकिन किस रिएजेंट के साथ क्रिया करके
ग्लाइकोनिक एसिड देता है। ध्यान से देखो, ग्लाइकिन किस रिएजेंट के साथ क्रिया करके ग्लाइकोनिक एसिड देता है, तो आपको नाइट्रस एसिड के साथ। ओके, अगला है हमारे पास 41 एंड ग्रुप एनालिसिस में कौन सा रिएजेंट प्रेजेंट होता है, यूज होता है, तो आपको लिखना है फ्लोरो कॉमा डू कॉम्फो डाइनाइट्रोवेनजीन, कि आपको मैंने बताया भी था। ओके, मैंने आपको बताया था कि जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, जितने भी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ उससे भी आपको कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो भी ध्यान से करना। 52 है आपके पास कि हिप्यूरिक एसिड का मॉलिकुलर फॉर्मूला है, तो आपको CnH9NO3। 43 की बीटा अमीनो एसिड गर्म करने पर देता है, तो एक्रिलिक एसिड, क्या देता है, एक्रिलिक एसिड देता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े हैं। आगे अभी आपका प्रोटीन्स बचा हुआ है, एंजाइम्स बचे हुए, तो वो ही हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उनके भी जो वैकल्पिक प्रश्न बनेंगे उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका करा दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे शेयर, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो बाकी अगर आपने वीडियोज नहीं देखी तो जाके आप चेकआउट जल्दी से कर लो चैप्टर 1 की, और मैथ्स भी कराई, फिजिक्स भी कराई, सभी मैंने वीडियोस कराई हैं, तो एक बार जाके जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कराए हैं। जो क्वेश्चन आपके हर बार पूछ जाते हैं, वही क्वेश्चन वहाँ पे कराता हूँ। थैंक यू।